इस बीच पे तो मानव द्वारा कचरा फैलाया काफी है। ये इकट्ठा हुआ होगा कचरा, मतलब 5 में से। गाइस गुड मॉर्निंग, आज हम जाने वाले हैं बटरफ्लाई बीच। काफ़ी छोटा सा बीच है, पूरे रॉक के बीच में है, और यहाँ जाने के लिए थोड़ा ट्रैकिंग लगता है। एक जगह तक गाड़ी जाएगी हमारी, उसके बाद फिर हमको पैदल चलना है। मतलब वो ट्रैकिंग होगा, कैसा किस लेवल का ट्रैकिंग है वो पता नहीं, बट पूरे जंगल के थ्रू जाता है। एक्चुअली जो आगोंडा हम रुके हैं यहाँ से काफ़ी पास है बटरफ्लाई बीच, तो यहाँ से आप बोट से भी जा सकते हैं। बोट से 10-15 मिनट लगता है, और पालोलिम से भी जा सकते हैं आप बोट से, बट बोट वही आपको पता है 1000 समथिंग लेगा, तो क्योंकि उसको वहाँ रुकना भी पड़ेगा और फिर आपको ले जाना पड़ेगा, तो वो फिर एक वैसा सर्विस हो जाता है टैक्सी टाइप वाला। बोट का रेट पता क्या था? बोट का रेट मैंने देखा था 1000 प्लस लोग बता रहे थे। अब वो क्या होता है कि आप ज़्यादा नंबर ऑफ लोग हो तो अच्छा पड़ जाता है, अब हम दो लोग हैं तो बोट तो एक ही जाएगी, तो वैसा वाला सीन रहता है। तो इसलिए हम बोट तो वैसे भी ऑप्शन में नहीं रखा है, क्योंकि नागोंडा से पास ही है, तो क्या है पूरा करने में शायद तक 3-4 घंटे या 5 घंटे लग सकते हैं, तो वो पूरा आपको अपडेट देते हैं। और अभी हम आए हैं ब्रेकफास्ट करने, जो हमारा स्टे है उसी का है यहाँ पे। अभी ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह ज़्यादा ऑप्शन मिलते नहीं है यहाँ पे। एक्चुअली इंग्लिश ब्रेकफास्ट का इजीली बन जाता है तो वो मिलता है, पर आज इंडियन बोला है तो पूरी भाजी बना रहे हैं वो। तो गाइस आ चुका है अपना इंडियन फूड, पूरी सब्जी देख रहे हो अभी आप, अलग लेवल। ठीक है तो खा अपना ये अंडा। और मुझे भी चाहिए एक पूरी। तो गाइस आज का नाश्ता अलग लेवल पे था, पूरी भाजी मानना पड़ेगा, मतलब एकदम अलग टेस्ट था। एक्चुअली बहुत ही सही, मतलब थोड़ा सा मीठा टाइप का था छोले का सब्जी, बट शानदार। तो हमने दबा के खा लिया है, तो लंच लेट करेंगे। तो ये भी अपनी गाड़ी। सबसे अच्छी बात है गोवा में यार, हर जगह गूगल पे चल रहा है, बहुत ही सही। तो आज हम जा रहे हैं ट्रैक करने, इसलिए पानी का बोतल बहुत ज़रूरी है। तो विजया भी गई है सामने दुकान पे, तो एटलीस्ट 2 लीटर बोतल पानी होना चाहिए आपका पर बंदे के लिए, 1-1 लीटर। तो गाइस आगोंडा से पालोलिम जाते वक्त एक करीब 2 किलोमीटर बाद एक टर्न आता है, वहाँ पे लिखा होता है लेपर्ड वैली, वहाँ से हमको घुसना है अंदर। आगे देखते हैं क्या सीन है। गाइस यहाँ पे हमने बाइक खड़ी कर दी है, इतनी बात ये लोग तो कार में आते हैं। तो गाइस विजयन जो लिया हुआ है हमारा स्टैंड का कवर, भी हमने कल लिया था, हमारा स्टैंड का जो एक्चुअल कवर था वो फट गया था। ये स्कूटी आगे तक जाता है क्या? पूरा आगे तक जाता है? अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू। स्कूटी आगे तक जाता है यार, तो हम ले कर ही चलते हैं जहाँ तक जाता है एक्चुअली। बैठो 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 बैठो। A few moments later. तो गाइस गाड़ी यहाँ खड़ी करी है, आगे भी जा सकती है, बट ये बीच में पानी का है, कितना डीप है पता नहीं, ज़्यादा डीप नहीं होगा, बट तो वॉक करते हैं। देख सही बना हुआ है चलने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा लोग गाड़ी से आ जा रहे हैं। मैप में कुछ कंफ्यूजन की वजह से मुझे लगा कि बस 300 मीटर ही चलना है, लेकिन अभी फिर से लोड हुआ है तो 1 किलोमीटर दिखा रहा है। तो हमने एक्चुअली स्कूटी बहुत आगे खड़ी कर दी है, तो परेश वो स्कूटी लेने गया और मैं यहाँ पे उसका वेट कर रही हूँ। लग रहा है परेश आ गया है। तो गाइस हम फिर से गाड़ी लेके आ गए हैं। एक्चुअली हमें लगा कि वहाँ पे गाड़ी रखनी है, बहुत लोग ने गाड़ी रखी हुई थी तो हमें लगा रख देंगे, पर जब हम चलना चालू किए तो आपने देखा कुछ लोग गाड़ी पे आ रहे थे, फिर उन्होंने सोचा चलो देखते हैं आगे, पर देखा मैप पे क्लियरली एक्चुअली 1.2 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से यहाँ से। तो हमने सोचा शाम को अगर लेट हो गए तो दिक्कत होगी, इसलिए मैंने सोचा बाइक लेके चलना चाहिए, मुझे लगता है बाइक बहुत आगे तक जाएगी, क्योंकि यहाँ निशान दिख रहे थे हमको चलते हुए बाइक के। तो ट्राई करते हैं कितना आगे तक बाइक जाता है।
साइड वाले रास्ते से ऐसे चलो। आगे सही है रास्ता। बैक पेन मैं ले आ रही हूँ। तो गाइस हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है कुछ 350 मीटर फॉर द फाइनल टाइम 350 मीटर दूर बीच से। यहाँ से थोड़ा रास्ता एकदम ख़राब है तो पतला है रोड है एक्चुअली एक बाइक जितना ही रोड है जैसे कि ये। तो जो जहाँ तक हम 350 मीटर तक गाड़ी लाएँ उसमें भी बीच में एक दो पेच थोड़े ख़तरनाक थे। इसमें उतर के आपको धक्का देके चढ़ाना पड़ा। गियर वाला बाइक होता तो और ज़्यादा ईजी होता बट सब यहाँ पर स्कूटी से ही आते हैं। गोवा में कौन गियर वाली बाइक लेता है। ये तो एकदम ऐसा ट्रैक करते ना जंगल टाइप वाला रास्ता है। यहाँ पे तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था गाड़ी। तो ये करीब 300 मीटर पहले से ही सी का आवाज़ आ रहा है अपने को। ओहो हो घने जंगल। गाने भी चल रहे हैं। आ गया बीच। तो गाइस आ चुके हैं द बटरफ्लाई बीच। काफी छोटा है मतलब क्या बोलते हैं 50 मीटर 100 मीटर भी नहीं होगा इतना छोटा सा बीच है। कुछ लोग हैं यहाँ पे मतलब कुछ लोग इस छोटे बीच के हिसाब से लोग हैं काफ़ी यहाँ पे। और तो क्या और तो कुछ है नहीं यहाँ पे भी ना शॉप है ना कुछ है बस आप बैठ सकते हो। धूप है अभी तो। हाँ पानी यहाँ तक आ गया आ गया आ गया आ गया। अलग ही पानी आ रहा है भाई इसका पैटर्न ही अलग है। दोस्तों इस बीच पे तो मतलब क्या बोलते हैं मानव द्वारा कचरा फैलाया काफ़ी है। बॉटल्स पियर कैंस मतलब इतना छोटा बीच है और इतना रिमोट है फिर भी आके जनता ने मतलब इससे अच्छे तो दूसरे काफ़ी बीच थे यार। कोला था और काकोलिम भी बहुत अच्छा था। एक्चुअली वहाँ प्रॉपर्टी थी सबसे अच्छी बात है। यहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं तो कोई देख रेख करने वाला नहीं होगा। गवर्नमेंट का कितना इन्वॉल्वमेंट है कुछ पता नहीं बट ठीक है हम तो थोड़ी देर आए। सीनिक है व्यू अगर दूर से लेंगे तो काफ़ी अच्छा दिखेगा बट अभी जो है सो है तो थोड़ी देर इन्जॉय करते हैं बैठते तो हैं थोड़ी देर आए इतना कष्ट लेके। तो भाई बोट में भी लोग आ रहे हैं वहाँ पे देखो दो तीन लोग दिख रहे हैं अपने को। तो ये है सेकंड तरीका। बटरफ्लाई बीच पे यहाँ पे काफ़ी रॉक्स हैं बैठने का क्योंकि अभी गर्मी है तो आप रॉक्स पे बैठ सकते हो तो ठंडा फील होगा। यहाँ पे ऊपर चलें चलो ऊपर भी जाने का रास्ता एक बार ट्राई कर लिया जाए। ओहो विजा के बैक पे देखो बटरफ्लाई बना हुआ। मुझे नहीं आना व्यू के लिए वो एक पत्थर है और उसमें बहुत सारी लाल चींटियां हैं।
दिखता है। स्टेप्स है पूरा। तो ये जो बीच है बटरफ्लाई बीच, यहाँ पे मैंने एक दो वीडियो देखे थे उसमें लोग नहा रहे थे, बट अभी कोई नहा नहीं रहा है और इसको देख के थोड़ा डरावना भी लग रहा है काफ़ी। तो इसलिए हम भी कूदे नहीं अंदर। और एक चीज़ है इस बीच पे बोलते हैं ना, मतलब बटरफ्लाई से ज़्यादा मतलब कचरा है। मतलब हर जगह प्लास्टिक बॉटल्स और लोगों ने यहाँ पार्टी करी है, लेकिन अपना कचरा लेके नहीं गए, छोड़ दिया। सही में यार, एक्चुअली ये छोटा बीच है तो और ज़्यादा गंदगी दिख रही है। कोई मॉनिटर करने वाला नहीं होगा, इसलिए भी लाइफ गार्ड भी नहीं है, तो जिसको तो अपना कुछ भी हाँ, एग्जॉटिक पार्टी लोकेशन होगा ये लोगों का यहाँ आस का। अरे पार्टी करो, अपना लेके जाओ ना कचरा, दूसरे को भी आए नेक्स्ट तो अच्छा लगे ना। देखो ना यहाँ कितना तो KFC लाला के खाए लोगों ने। तो जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था ना हमारा, उतना अच्छा नहीं है। इन शॉर्ट ठीक है, ब्यूटी मतलब सीनिक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हम बैक टू आ गए हैं, 300 मीटर चलना है हमको। यहाँ पे सब ऐसा ग्रुप आते हैं और एकदम साथ में ब्लूटूथ स्पीकर, मतलब निशानी है कि बटरफ्लाई बीच जा रहे हो आप। एक बंदा तो एक कुछ लोग तो मुझे एम्पलीफायर लेके आए थे यार, मतलब कुछ प्लान होगा उनका। एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही है, यहाँ आ रही है क्या वो, मानना पड़ेगा यहाँ आ गया तो। मुझे लग नहीं रहा, मुझे लग रहा है वहीं पार्किंग की आवाज़ है, पार्किंग पे लग रही थी गाड़ी। पार्किंग के सामने ये देखोगे ना, ये इकट्ठा हुआ होगा कचरा भाई साहब। तो ऐसे कुछ रास्ते आएंगे थोड़े थोड़े, मतलब 15-20 मीटर ऐसा, कि आपको उतरना पड़ेगा पीछे वाले को, ठीक है। और स्कूटी है इसलिए मेजर लिया, अगर स्कूटी नहीं होती तो चढ़ जाता। तो आ जाओ देखो, ये है रास्ता। ये है वो रास्ता जहाँ लास्ट टाइम आते टाइम फंस गए थे, और वहाँ से आ रहे थे। चलो बैठो। ठंडा पानी। तो सारे कठिनाई वाले पेच मतलब रास्ते पूरे हो गए ये। तो अभी गाड़ी थोड़ा सा ख़राब हुआ है, साफ करते हैं। तो गाइस यहाँ से हम घुसे थे लेपर्ड वैली से अंदर बटरफ्लाई बीच के लिए। तो ये हो गया है टोटल, हम 10 बजे निकले थे हमारे गेस्ट हाउस से, मतलब स्टे से, और अभी करीब 12:30 बजा, मतलब 2-2.5 घंटे में हो गया हमारा। वो इसलिए हुआ कि गाड़ी हम थोड़ा आगे तक भी ले गए थे, तो उस वजह से हमारा वॉकिंग वाला टाइम भी बच गया। तो विजय, ओवरऑल दिस बीच का एक्सपीरियंस वॉज मतलब 5 में से 2 या 3 स्टार। ओके था। हाँ छोटा ठीक था, मतलब हमने इससे अच्छे बीच देख लिए पहले, बट एक एक्सपीरियंस के लिए ठीक है। आपको ट्रैक करके बीच जाना है तो ठीक है, उस हिसाब से थोड़ा एकम्प्लिश फील होता है अगर आप किसी एडवेंचर रास्ते से जाके पहुँचो तो। वही वाला सीन है, लोकेशन अच्छी थी लेकिन हाँ थोड़ा रॉक वॉक था बीच के आसपास। यहाँ गोवा में जनरली बड़े होते हैं ना, तो ये छोटा बीच था काफ़ी, तो उस वजह से थोड़ा अलग है उस वजह से। तो अब बस हम आगे के डेस्टिनेशन क्या है हमारे, शिवा वाटरफॉल जाने का प्लान है अभी। शिवा वाटरफॉल यहाँ तो हम नहाए नहीं, तो वो है जो काबो दे रामा हम फोर्ट गए थे ना, उसके आसपास होगा वो। हाँ, व्यू पॉइंट के आगे से कुछ 15-20 किलोमीटर शायद तक, एग्जैक्ट डाल दूंगा नीचे। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। पानी हो गया, चलो।